जहां कलान उप जिलाधिकारी दशरथ कुमार ने नवनिर्वाचित हरि नारायण गुप्ता और सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं हरि नारायण गुप्ता ने शपथ लेने के बाद कलान नगर पंचायत वासियों से कहा कि जो अभी तक विकास आधा अधूरा था, नगर पंचायत कलान में उसको सबसे पहले कराया जाएगा और जो जटिल समस्याएं हैं उनको गंभीरता से देखना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ईओ, क्षेत्रीय विधायक, जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ समाज सेवी सहित तमाम नेतागण और कर्मचारीगण मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां मेयर और पार्षद पद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम अधिकारी, नगर आयुक्त और जिला अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने मेयर अर्चना वर्मा को शपथ दिलाई। इसके बाद नवनिर्वाचित मेयर अर्चना वर्मा ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई। वित्त मंत्री ने भी नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। खबर कौशाम्बी से, जहां लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले नगर पंचायत सिराथू से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र कुमार यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। वहीं यूपी सरकार के कारागार मंत्री सुरेश राही ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र कुमार यादव ने जनता के इरादों पर खरा उतरने के साथ साथ क्षेत्र में ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करने का मंत्र दिया। खबर कौशाम्बी से, जहां पहली बार नगर पंचायत में जीत दर्ज कर ओहदा हासिल करने वाली निर्दलीय प्रत्याशी रागिनी केशरवानी ने आज एसडीएम सिराथू नगर पंचायत की जनता की उपस्थिति में ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करने की शपथ ली है। बता दें कि इस दौरान रागिनी केशरवानी ने विजय दिलाने के लिए नगर पंचायत की जनता का आभार व्यक्त किया और साथ ही पूरी निष्ठा और ईमानदारी से क्षेत्र का विकास करने का भरोसा दिलाया। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां के कस्बा कदौली नगर पालिका परिषद की गठबंधन प्रत्याशी हाजी शाहनवाज लालू सहित तमाम प्रत्याशियों ने शपथ ग्रहण किया। बता दें कि नगर पालिका प्रांगण में भव्य कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष सहित सभी सभासदों द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वाजिन उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार द्वारा पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों को सहित आम जनमानस ने भी प्रतिभाग किया है। ये किस तरह से देख रहे हैं, पांच सालों तक क्या कुछ विकास यहाँ होना है, कौन सी योजना है जो आप लाने की यहाँ सोच रहे हैं? क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राकेश कुमार जायसवाल जी और स्टाफ है, यूपीडब्ल्यू डी में है, सफाई विभाग में, उन लोगों से बैठ के विचार करेंगे। हमारे सम्मानित सभासद हैं जो 25 निर्वाचित हुए हैं, उन लोगों से मिलकर और शहर के विकास के लिए जो भी अच्छे से अच्छी प्लानिंग होगी उसको कराने का प्रयास करें। आपके जीत के बाद कुछ लोगों का विरोध शुरू हो गया, आपकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कई बातें की गई, उसमें क्या कुछ कहना है? मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। खबर कुशीनगर से, जहां पूर्व प्रधान चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ले के साथ ही तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि बीते दिन पूर्व ग्राम प्रधान राम हरक यादव की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत 23 मई को, जैसा कि आप लोगों को विदित है, पूर्व प्रधान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत रामकोला पुलिस और स्वाट और सर्विलांस टीम ने आज इसका सफल अनावरण किया है और इसमें तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें दो व्यक्ति जो पिता पुत्र हैं, अनुपम साहनी और रामनाथ साहनी, इनके द्वारा हत्या की घटना को पारित किया गया है और साथ में जो षड्यंत्र की जो भूमिका है उसमें रामबदन चौधरी का भी नाम आया है। इस प्रकार से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो आला कत्ल है उसको भी बरामद किया गया है। घटना की जो पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत मत्स्य पालन को लेकर और भूमि को लेकर विवाद की स्थिति इनके बीच थी, जिसके कारण रंजिशवश ये इस घटना को कारित किए हैं। पहले से घात लगाकर यहाँ पर धारदार हथियार से इसकी निर्मम हत्या की गई थी। इसका सफल अनावरण किया गया है और मेरी तरफ से इस सफल अनावरण के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है और डीआईजी सर ने भी इसमें पुरस्कार की घोषणा की है और उनको रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इसकी तलाश की जा रही है, फिलहाल इनका आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। खबर गुना से, जहां मध्य प्रदेश सरकार गरीब कल्याण और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए भरसक प्रयास कर रही है, तो वहीं
गरीब श्रमिक मजदूर बेसहारा लोगों को भरपेट भोजन मिल सके इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला मुख्यालय पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्रों की स्थापना की गई। गुना नगर की जच्ची बस स्टैंडर्ड बसेरा में चल रहे दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार देखने को मिला है। रसोई केंद्र पर प्रतिदिन भोजन करने वाले लोगों की जानकारी मांगी गई तो एक रजिस्टर में 2022 के बाद 2023 में भोजन करने वाले सैकड़ों लोगों के केवल नाम लिखे गए परंतु प्रत्येक पेज पर तारीख नहीं है। उक्त रसोई केंद्र को संचालित कर रही संचालिका व सदस्य अपने मोबाइल पर संबंधितों से बात करते नजर आए। 2023 में अब से जो एंट्री भरी हुई है पूरे पेज भरे हुए हैं, लगभग 100 से ऊपर सबके नाम लेते हुए, परंतु उनमें तारीख नहीं डाली गई। तारीख सर हम उसके नहीं डाल पाते हैं, खाना पीसने में लग जाते हैं, भीड़ एकदम बढ़ती है, तो लिख पाते हैं नाम नहीं लिख पाते हैं, तारीख नहीं लिख पाते हैं, नाम लिख लेते हैं, इसलिए 2023 में एक भी तारीख नहीं डाली है। छह महीने हो गए, छह महीने में आपने एक भी तारीख नहीं डाली, दूसरा आएगा। खरबदायू से जहां 7 नगर पालिका और 14 नगर पंचायतों के नवनिर्वाचित चेयरमैन अवरार अहमद को एसटीएम विजयकुमार मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि विसौली नगर पालिका अध्यक्ष अवरार अहमद ने लगातार तीसरी बार भारी मतों से जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। साथ ही अन्य नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यक्रम समझ स्थान पर ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराए गए। साथ ही जिले के सभी वार्ड सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की।